विवान को अगर पता चल गया कि मेरा क्या मोटिव है शादी को इतना फोर्स करने के लिए, तो आई थिंक इस बार तो डिवोर्स होके रहेगा। मेरे ससुर जी के हाथों से, सो दैट सिमर ना बोले। सो लेट्स होप कि उन दोनों की शादी शांति से हो जाए और मैं अपने उस साल खानदान में आगे मूव ऑन कर सकूं और सिमर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। लेकिन आपको तो पता ही है क्या ट्विस्ट टर्न्स होते हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। आई थिंक विवान को अगर पता चल गया कि मेरा क्या मोटिव है शादी को इतना फोर्स करने के लिए, तो आई थिंक इस बार तो डिवोर्स होके रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये विवान को पाने के लिए, विवान को खुश करने के लिए ही कर रही हूँ। कैसे भी वो मुझे माफ़ कर सके मेरी पुरानी गलतियों पे, लेकिन ये नहीं एहसास हो रहा है रीमा को कि वो और गलतियाँ करती जा रही है अपनी पुरानी गलतियाँ छुपाने के लिए। बट आई होप रीमा के मन में वो सेंस ऑफ हर्ट है, इसलिए वो सारी चीज़ें करती है। हमेशा उसके पास रीजंस होते हैं करने के लिए। अगर वो रीज़न ना हो तो फिर आप बोल सकते हो कि ये सनकी है, लेकिन उसके पास रीजंस है। तो जब तक रीजंस है तब तक मैं सनकी नहीं हूँ। एक्चुअली आज हम लोग आए हैं नारायण हाउस में और सेलिब्रेशन का माहौल है कि फेस्टिवल चल रहा है, तो हम लोग पहुँचे और कुछ कारण से पहुँचे इस बार। और मुझे नहीं पता था कि बड़े पापा कुछ और ही इंटेंशन से आए, और उनके इंटेंशन के पीछे किसी और का इंटेंशन है, वो है रीमा का। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या करने वाली रीमा। हाँ, यू आर राइट कि सिमर का जो ये रिश्ते की बात चल रही है उससे विवान को भी काफ़ी दुख है। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ही इज़ बिट कन्फ्यूज्ड कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिमर को अभी भी भाभी मानता है। और बट ही थिंक्स कि चलो शायद अगर उनकी शादी हो जाए तो उनकी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी। सो या ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सो कीप वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच। बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ।